नमस्कार बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है छोटी श्रीमती उफ। यह एक अंग्रेजी कहानी है, लिटिल मिस वूप्स, जो रॉजर हार्ग्रीव्स द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद ऋषि गुप्ता द्वारा राधर लिसन A11Y चैनल के लिए किया गया है। आशा करते हैं आपको सुनने में बहुत मजा आएगा, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छोटी श्रीमती उफ उन लोगों में से है जिनकी हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उसकी कई सारी दुर्घटना होती थी, जैसे कि जब वो खाना बनाती थी तो अंडे जमीन पे गिरा देती थी, उफ। और उसकी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती थी, जैसे कि जब वो अपना कमरा पेंट कर रही थी तो पेंट का पूरा डब्बा ही उसने गिरा दिया, उफ। हर सुबह जब वो अपने लिए चाय बनाती, वो दूध गिरा देती, चीनी की कटोरी लुढ़का देती, चाय की थैलियां भी गिरा देती, बिस्किट तोड़ देती और अपना चाय का प्याला गिराकर पूरी टेबल पे चाय फैला देती थी, और उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। उफ, कई दिन तो घंटों लग जाते थे उसको घर से निकलने में। छोटी श्रीमती उफ की दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ही ज्यादा थी, पर शायद सबसे ज्यादा नहीं। छोटी श्रीमती उफ का एक भाई है, श्रीमान भड़ाम। वो बिल्कुल अपनी बहन के जैसा है, शायद उससे भी बदतर, पर वो एक अलग कहानी है जो शायद आपने पढ़ी होगी। हर साल छोटी श्रीमती उफ ट्रेन से जाती है अपने भाई से मिलने पूरे एक हफ्ते के लिए। वो पिछले मंगलवार को निकली थी। इस मंगलवार को श्रीमान भड़ाम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, जो जमीन पे गिरी हुई थी। उसने अभी अभी खुद ही उस घड़ी को गिराया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन तो बहुत दिवंगत थी, एक पूरे हफ्ते से दिवंगत। पर आखिर छोटी श्रीमती उफ दिवंगत क्यों थी? अरे, बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण, और क्या। जब उसकी ट्रेन स्टेशन पे थी, वो किसी तरह ठोकर खा के गिर गई और ट्रेन के बाहर चली गई, उफ। और फिर किसी तरह वो ठोकर खा के एक ट्रक के अंदर गिर गई, जो उसे सी टाउन ले गया, उफ। जहां पे किसी तरह वो ठोकर खा के एक नाव में गिर गई, और वो नाव उसको एक दूसरे ही देश ले गई, उफ। उसको पूरा एक हफ्ता इंतजार करना पड़ा दूसरी नाव लेने के लिए, जिससे कि वो वापस जा सके। और फिर एक और ट्रक, और एक और ट्रेन। छोटी श्रीमती उफ तो पूरी तरह से थक चुकी थी जब तक वो अपने भाई के घर पहुंची। मुझे तो लगा तुम पिछले हफ्ते आ रही थी, श्रीमान भड़ाम बोले। अरे, बड़ा लंबा सफर रहा होगा। हाँ, ऐसा ही था, छोटी श्रीमती उफ बोली। क्या तुम चाय पियोगी? श्रीमान भड़ाम ने भेंट करी। और फिर आपको तो पता ही है क्या हुआ होगा, है ना? उन्होंने दूध गिरा दिया, चीनी की कटोरी भी लुढ़का दी, चाय की थैलियां गिरा दी, सारे बिस्किट तोड़ दिए और चाय की प्याली गिराकर पूरी टेबल पे चाय फैला दी। क्या गंद मचा दिया, उफ। अरे, देखो समय क्या हो गया, छोटी श्रीमती उफ बोली, घड़ी को फिर से गिराते हुए। मुझे जाना होगा, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है घर जाने के लिए। उसने अपना सूटकेस पकड़ा और फटाफट दरवाजे के बाहर चली गई। वो बोली। बाय, श्रीमान भड़ाम बोले।
अगले साल मिलेंगे। श्रीमान भड़ाम बाय बाय करते रहे जब तक कि श्रीमती उफ का रास्ता मुड़ गया और फिर श्रीमान भड़ाम ने अपना दरवाजा बंद किया। पर जैसे ही अपना दरवाजा बंद करने लगा, दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में आ गया। उफ, श्रीमान भड़ाम बोले। कहानी सुनने में मजा आया ना? कृपया इस वीडियो को लाइक करें और राधा लिसन चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी एवं अंग्रेजी में बहुत सारी कहानियां राधा लिसन चैनल पे सुनने को मिलेंगी। आशा करते हैं आपको और भी कहानियां सुनने में बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।